over maths class student. In this class we are going to discuss our new topic division. So for the division we have to remember the multiplication table student. सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें डिवीजन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद रखना पड़ेगा. सो व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग. इसमें हमें क्या करना है, 48 को डिवाइड करना है 2 से. ओके तो हमें 2 का टेबल हमें याद होना चाहिए. सो मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिखा है. ओके सो इट मीन्स क्या है, आपको 2 का टेबल और सारे ही टेबल्स आपको याद करने पड़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर अवर क्वेश्चन स्टूडेंट. सो अब हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में 4 आता है या नहीं आता है, है ना. 4 आता है तो कितने टाइम्स में आता है. सो लेट अस सी हियर. सो 1 एंड 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इट मींस 2 टाइम्स आ रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4. ओके अब हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे बिकॉज हम यहाँ पे माइनस करेंगे. सो 4 में से 4 को हमने माइनस किया है तो क्या आएगा, 0 आएगा. यस अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है. अब हम नेक्स्ट नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको एरो बना के नीचे उतारेंगे, है ना. तो यहाँ पे हमने लिखा 8. अब हम क्या करेंगे, अगेन 2 के टेबल में देखेंगे 8 आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कितने टाइम्स में आता है. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. तो इट मीन्स कितने टाइम्स में आया 8, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 और यहाँ 8 लिखेंगे. माइनस करेंगे हम, 8 में से 8 को माइनस किया तो क्या आया, 0 आया. क्या आया, 0 आया. इट मीन्स हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 24. आंसर क्या है, 24. बट स्टूडेंट हमें और याद रखना है तो हम इस वाले नंबर को क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा डिवीज़र है. ये क्या है हमारा डिवीज़र है. ये है हमारा 48 क्या हुआ, डिविडेंट हुआ. ओके एंड जो हमारा आंसर है उसको क्या कहेंगे हम, क्वेश्चन. क्या है हमारा, क्वेश्चन. और जो लास्ट पार्ट जो हमारा आया है उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर, है ना. इट मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 आया है. ठीक है ये हमारा क्या है क्वेश्चन. ये जो हमारा 2 जो लिखा है ये हमारा डिवीज़र है, ये हमारा डिविडेंट है. जो हमें आंसर मिला है क्वेश्चन होता है और लास्ट में जो यहाँ बचा है रिमाइंडर. सो और हमारा आंसर क्या है, 24. डिवीज़न के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन टेबल का याद होना. ओके स्टूडेंट आई होप आपको डिवीज़न समझ में आया होगा. ठीक है इसी वे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है.